अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं शांग गोयल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। कहा तूने कल मोहिनी हमारे दुश्मन से प्यार करेगी, जिसकी तलवार हमारे खून की प्यासी है, जिसने अपनी गोलियों पर हमारा नाम लिख रखा है, उससे प्यार करेगी, हमारे दुश्मन से प्यार करेगी। दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई बार देखा गया है कि कुछ हीरोज की पहली फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है और बाद में उसी फिल्म से वो पहचाने जाते हैं। और आज जिस हीरो की बात मैं कर रहा हूं, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी पहली फिल्म सुपर टुपर हिट हो गई और आज तक लोग उन्हें उसी फिल्म से पहचानते हैं, और वो है हमारे देसी तार्जन हेमंत बिर्जे। अगस्त 1964 में पैदा हुए थे हेमंत पुणे में एक महाराष्ट्रन फैमिली में। उनके पिता का नाम था अनंत राव और वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। उनकी माँ का नाम था इंदुमती और वो एक हाउसवाइफ थी। दोस्तों, हेमंत के दो भाई और दो बहनें भी हैं। हेमंत ने अपने इंटर की पढ़ाई की वाडिया कॉलेज पूना से और अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली डेक्कन कॉलेज, जो पूना में ही है। हेमंत को बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक था और 1984 में वो मिस्टर इंडिया ग्रुप विनर भी बने थे। उनका एक्टर बनने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था, वो तो बस बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। लेकिन होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है, उनकी किस्मत में एक्टर बनना लिखा था और वो एक्टर बन गए। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को ये गलत फहमी है कि फिल्म लाइन में आने से पहले हेमंत एक सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हेमंत ने हमें खुद बताया है कि वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे और वो एक अफवाह थी। तो हुआ यूं कि जब वो डेक्कन कॉलेज में पढ़ रहे थे तो वहाँ मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर देवानंद अपनी फिल्म की एक शूटिंग कर रहे थे, तो हेमंत भी वहाँ शूटिंग देखने के लिए पहुँच गए। देव साहब ने जब हेमंत को देखा तो कहा, हेमंत, तुम्हारी फिजिक तो बहुत अच्छी है, तुम तो बिल्कुल हीरो लगते हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुंबई जाओ, मुंबई में बी सुभाष एक फिल्म बना रहे हैं, उन्हें एक नई चेहरे की तलाश है, जाओ उनसे मिलो, मेरा नाम लो, काम हो जाएगा, ऑल द बेस्ट टू यू। बस देव साहब की यह बात हेमंत के दिमाग में बैठ गई और वो बी सुभाष से मिलने मुंबई आ गए। उन दिनों मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर बी सुभाष एक फिल्म प्लान कर रहे थे, एक जंगल फिल्म, और उस फिल्म में उनको एक तार्जन की जरूरत थी। वो एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे जो तार्जन का रोल प्ले करे और जिसकी फिजिक मैसिव हो। सुभाष जी ने हेमंत को कहा कि आप ऑडिशन दे दीजिए, और जब हेमंत ऑडिशन रूम में पहुंचे तो हैरान रह गए। वहां पे तकरीबन 20-25 तगड़े बॉडी बिल्डर तार्जन के आउटफिट में थे और वो तार्जन की तरह जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बी सुभाष ने हेमंत को कहा कि तुम भी ऐसा करो। हेमंत बेसिकली बहुत शाई नेचर के थे तो थोड़े झिझक गए। बस ये शाई नेचर जो थी उनकी, बी सुभाष को बहुत पसंद आई। उन्होंने हेमंत को कहा, हेमंत, आमतौर पर बॉडी बिल्डर्स की बॉडी बहुत रफ और टफ होती है और उनका फेस भी रफ हो जाता है, तुम्हारी खास बात यह है कि तुम्हारी बॉडी रफ और टफ तो है लेकिन तुम्हारे फेस पे एक इनोसेंस है, एक मासूमियत है, तुम शाय हो, और मुझे मेरा तार्जन मिल गया। बी सुभाष ने बाकायदा हेमंत को एक्टिंग की ट्रेनिंग दिलवाई और साइन कर लिया अपनी फिल्म एडवेंचर्स ऑफ तार्जन में, जो आई थी 1985 में, और हेमंत के ऑपोजिट थी किमी खाटकर। फिल्म बनकर रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट हो गई और हेमंत रातों रात ओवरनाइट स्टार बन गए
और तकरीबन 100 फिल्में साइन कर ली। उसमें से कुछ फिल्में बनी और अफसोस कुछ फिल्में शेल्व हो गईं। एडवेंचर्स ऑफ तार्जन के बाद हेमंत की एक और फिल्म आई 1988 में। फिल्म का नाम था वीराना और वो भी बहुत सक्सेसफुल रही। लेकिन मेम साहब, यहाँ तो पुरानी कब्रों के अलावा कुछ भी नहीं है। लगता है वो चला गया। चलिए, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। उसी साल 1988 में हेमंत की एक और फिल्म आई। फिल्म का नाम था कमांडो। उस फिल्म के हीरो थे मिथुन चक्रवर्ती और उसमें हेमंत पैरेलल लीड कर रहे थे। अरे मिठाई का ऑर्डर दिया जाए, ढोल बजाए जाए, ताशे पीते जाए, क्योंकि अपना यार चंदू हम सबका बरसों से अफसर बन जाएगा। और ये तरक्की का परवाना। इस फिल्म के बाद मिथुन दा के साथ हेमंत ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे शेर हिंदुस्तान, मुकद्दर, चंडाल और मां कसम। कल अदालत में आकर जमानत करा लेना। जब हमारा बाप हवालात में होता है तो अदालत हमारी जेब में होती है। वकील साहब, अपने फिल्मी करियर में हेमंत ने कई फिल्में साइन की। वो कहते हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि ये फिल्म छोटी है या ये फिल्म बड़ी है, बस मुझे तो काम करना था। और मैंने लगभग 35 फिल्मों में एज मेन लीड काम किया। और वो फिल्में थी मर्दानगी, दिल रुबा टांगे वाली, कब्रिस्तान और तहखाना। रुबीना, ये फोटो रुबीना की हो या जूली की? लेकिन मैं यकीन के साथ सकता हूं कि कल रात मैं इसी लड़की से मिला था। परी से मरे तो 24 साल हो गए, मैं मानने को तैयार नहीं। अरे हाँ टांगे वाली, तूने तो अपना नाम भी नहीं बताया। हो सकता है बेचारी का कोई नाम ही ना हो। वैसे तुम्हारे गांव का नाम क्या है? हिंदी फिल्मों के साथ साथ हेमंत ने कुछ साउथ की फिल्मों में भी काम किया। नी मंचाल मीद के मगाड़ लेडू, नन्नु चंपडानिकी एवड़ वस्ताडे? देवुडु। देवुडा? एकड़ा? हिंदी फिल्मों के अलावा हेमंत ने टेलीविजन पे भी कई सीरियल्स किए, जैसे हिंदुस्तानी और जुनून। 90s के दौर में हेमंत ने शादी कर ली। उनकी बीवी का नाम है रेशमा। उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है बॉबी और वो शाहरुख खान की रेड चिलीज में बहुत बड़ी पोस्ट पे है। और बेटी का नाम है सोनिया और वो बहुत अच्छी डीजे है और लोग उन्हें डीजे सोनिया के नाम से जानते हैं और वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। दोस्तों, हेमंत ने फिल्मों के अलावा वेब सीरीज में भी काम किया है, जैसे स्वराष्ट्र, रेत और अमेजोन की जंगल गर्ल, जो बहुत जल्द आप देखने वाले हैं। आज हेमंत बहुत फिट हैं, बहुत एक्टिव हैं और आज भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं। वो कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग मेरा पैशन था, है और हमेशा रहेगा। कीप इट अप हेमंत। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।